सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत तारकेश्वरपुर में गोठान में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस ग्राम पंचायत के समालिया देवी महिला इंटक जिला अध्यक्ष सरोज मानिकपुरी, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सचिव पन्नालाल सोनवानी और रोजगार सहायक मिलन सिंह सोमनाथ, ग्राम पंचायत तारकेश्वरपुर के गोठान अध्यक्ष नारसिंह और ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 4 साल पूरा होने पर उनके द्वारा किए जाने वाले महत्वाकांक्षी योजनाओं का आम जनता के लिए कल्याणकारी साबित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी गोठान में मुख्यमंत्री गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जागरूकता लाना शासन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे गोबर खरीदी करना, गोठान के माध्यम से जैविक खाद बनाना, स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाना, मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक एवं छत्तीसगढ़ में सभी किसान भाइयों को धान का उचित समर्थन मूल्य 2,640 रुपये दिया जा रहा है, चाहे धान हो, तिलहन हो, कोदो कुटकी हो, दलहन हो, सभी का छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार सही समर्थन मूल्य में खरीद रहा है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा हो रहा है। तेंदुपत्ता 2,500 रुपये बोरा बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ प्रदेश की आम जनता को फायदा मिल रहा है। आम जनता को वनोपज उचित मूल्य में खरीदी के माध्यम से भी आम जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजना में काम चल रहे हैं और किए जा चुके हैं, जिसे लोगों को सीधे फायदा हो रहा है। आम जनता छत्तीसगढ़ प्रदेश के खुश है। ये जो सरकार है, वह किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। बनाने का है ना, मेड़बंदी का काम चल रहा है, तालाब बनाने का काम चल रहा है, मिट्टी मुरुम रोड का भी कार्यक्रम चल रहा है, मतलब बहुत सारे सरकार के योजना जो है चल रहे हैं, और सरकार जो है पब्लिक का विकास करने के लिए जो है तत्पर है। हम उन्हीं के जो है कार्यों को ग्राम पंचायत में संपादन कराते हैं, है ना, और ग्राम में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंच या मेटों के माध्यम से सारे काम कर होता है ना। इसमें कोई काम में कोई दिक्कत किसी को हो, जैसे मान लीजिए मजदूरी का या कुछ इसका, तो आप उसको रोजगार सहायक सर ये भी मैं रुका हूँ तत्काल आपका कार्य में करवाएंगे, मतलब या आपको बोलिएगा मैं सरपंच सरपंच करवाएंगे, उसके तक उत्तरदायी है, मतलब है ना। और बाकी जो है सारे पेंशन का भुगतान अभी बता रहा हूँ लोगों को कि का पेंशन भुगतान है वो ऑनलाइन भुगतान दें, नहीं है तो एंट्री करा लें, है ना, एंट्री करा के देखें नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पर बात करेंगे जा करके, इस सारी चीज़ें उसमें है। और आप लोगों का जैसे रोड राहत काल पारा से लेकर के धमेटर का प्रस्ताव भेजे हैं, वो लगभग 5 किलोमीटर रोड बनने का, मतलब वाला मिट्टी मुर्गा रोड, और हम लोग उस पारे में जो है स्कूल का ही मांग कर रहे हैं, वहाँ पर 27 ठो घर है और 32 लड़का वहाँ पे हैं जो स्कूल आने में दिक्कत उनको हो रहा है। मैं उस दिन सर्वे करने गया था तो वहाँ 27 जो घर है 32 उन स्कूल खुलवाने का किया जाएगा। मैं सरपंच से बात किया हूँ और प्रस्ताव ग्राम सभा मेरा करके भेजना है, या तो किसी यहाँ के गुरु जी लोगों को वहाँ अटैच कर दे, दो लोगों को एक जन का, ताकि वहाँ स्कूल चलाए किसी के घर में तो बच्चे वहाँ के पढ़ सकें, मतलब उसका क्रम है ना। बाकी ज़्यादा बोलने का उसमें वो नहीं है क्या बोलेंगे, लेकिन सारी योजना जो है अच्छे हैं, मतलब सरकार के कोई भी योजना जो है गलत नहीं है, मतलब बस उसको चलाने में दिक्कत हो रहा है, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं या समझ रहे हैं तो लोग तुरंत लाभ लेना चाहते हैं तो नहीं मिलता। और किसान देखिए पीएम किसान 2,000 पैसा वहाँ मिल रहा है लोगों को खाते में आ रहा है, एक वो योजना चल रहा है, नूनी सिंचाई योजना चल रहा है, बहुत सारे योजना सरकार के हैं। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी कुछ अगर बोलना चाहें तो जैसे जैसे कुछ बोलिए, नहीं बंद करो।